दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म डंकी के रिलीज के केवल 2 दिन रह गए। क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो रही शाहरुख खान की साल की तीसरी फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। एडवांस बुकिंग में डंकी को बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है, खासकर नेशनल चैंस में फिल्म की अच्छी एडवांस बुकिंग हो रही है। गौरतलब है कि डंकी प्रभास की फिल्म सालार के साथ क्लैश कर रही है। आपको बता दें कि इस साल शाहरुख खान की फिल्म जवान पठान ब्लॉकबस्टर साबित रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल चैंस में दोपहर 12:30 बजे तक डंकी की एडवांस बुकिंग 71,000 टिकट बिकी है। दोस्तों PVR इनॉक्स और सिनेपोलिस नॉन नेशनल चैंस और दूसरे छोटे सेंटर को मिला दें तो 1,40,000 टिकट बिकी हैं। ट्रेंड एनालिस्ट के मुताबिक आज रात फिर मंगलवार दोपहर तक नेशनल चैंस में 1,00,000 टिकट की बिक्री हो सकती है। गौरतलब है कि पहले दिन शाम 6 बजे तक नेशनल चैंस में 50,000 टिकट बिकी थी। वहीं दोस्तों बताया जा रहा है प्रभास की सालार की भी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, साथ ही साथ फिल्म का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। एडवांस बुकिंग की बात करें तो सभी भाषाओं में सालार के लगभग 1,76,769 टिकटों की बुकिंग हो गई है। सबसे ज़्यादा टिकट आंध्र प्रदेश में बिकी। सालार में प्रभास लीड रोल में है। फिल्म को KGF 2 के डायरेक्टर प्रसाद नील डायरेक्ट किया है। प्रभास की पिछली फिल्म आदिपुरुष बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी। वहीं दोस्तों बात करें भारत के अलावा विदेशों में भी डंकी को एडवांस बुकिंग में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। डंकी ने एडवांस बुकिंग के जरिए विदेशों में $6,00,000 की कमाई कर ली है। इसमें पहले दिन $3,20,000 की कमाई कर ली है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है डंकी और सालार में बॉक्स ऑफिस पर कौन बाजी मारता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।